दोस्तों तो आज हम इंस्टेंट बनने वाली प्याज टमाटर की सब्जी बनाने वाले हैं। आई थिंक ये सबसे ज़्यादा जल्दी बन जाती है। आप चाहे तो इसे सब्जी की तरह इस्तेमाल करें या पराठे के साथ चटनी की तरह इस्तेमाल करें, ये बहुत ही बढ़िया बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने लिए हैं 4 से 5 देसी टमाटर, 3 मीडियम साइज़ के प्याज और 3 से 4 हरी मिर्च। हमने देसी टमाटर इसलिए लिए हैं क्योंकि ये हल्के खट्टे होते हैं जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैंने प्याज को धो के अच्छे से स्लाइस में कट कर लिया है। फिर मैंने टमाटर को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। छोटे छोटे पीसेस इसलिए कट करिएगा कि वो जल्दी गल जाएंगे। फिर मैंने मिर्ची को भी महीन महीन कट कर लिया है। अगर इस रेसिपी के लिए लाल टमाटर मिल जाए तो क्या ही बात है, अगर नहीं मिल रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दें, ये आपकी चॉइस पे है। आप चाहे तो इसे स्किप कर सकती हैं। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सब्ज़ी लाल लाल दिखाई पड़े रेस्टोरेंट जैसी, तो आप इसमें 1 पिंच फूड कलर ऐड कर दें। अब हमें कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालना है और इसमें प्याज को डाल देना है। आप चाहें तो ऑयल गर्म होने के बाद ज़ीरा भी डाल सकती हैं। मुझे ज़ीरा नहीं पसंद इसलिए मैंने अवॉइड किया है। फिर आपको प्याज को चलाते रहना है। जब प्याज ब्राउन होने लगे तो हमें उसमें टमाटर और कटी हुई मिर्च ऐड कर देना है। फिर मसाले में हमें चाहिए पिसी काली मिर्च, नमक और रेड चिली पाउडर। टमाटर डालने के बाद हमें फ़ौरन नमक डालना है ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएं। फिर हमें काली मिर्च और लाल मिर्च डाल के अच्छे से मिक्स कर देना है। हमें कंटिन्यू चलाते जाना है और फिर हमें चटनी को गलाने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है और ढक्कन लगा देना है। फिर हमें 2 से 3 मिनट तक कुक करना है। आप इसे फिर खोल के देखें, फुल आँच पे भून लें और चम्मच से ऐसे टमाटर प्याज को मैश कर दें। तैयार है गर्मा गर्म चटनी। अब आप इसे रोटी के साथ या पराठे के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। रेसिपी कैसी लगी कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।